अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान शरीफ चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप लोग इबादत करें और अपनी इबादत में, अपनी दुआओं में जो है मुझे भी शामिल रखिएगा। और चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और AI मतलब ये जो बेल आइकन है इसको दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो बात ये है व्यूवर्स के बहुत सारे जो मतलब हैं इस टाइम लोग, मतलब वो स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हैं इस हवाले से कि हमारे जो पेपर्स हैं वो कब होंगे। तो पेपर्स जो हैं MA वालों के, BA वालों के, BEd वालों के स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ कि ये पेपर आप लोगों के इंशाल्लाह फजल खुदा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने बात की है कि ईद के बाद इंशाल्लाह फजल खुदा आप लोगों के पेपर्स होंगे। तो ईद के बाद आप लोगों ने जो है ये पेपर्स जो हैं इनको मतलब देखना है, ठीक है। तो बात यही है कि ईद के बाद आप लोगों के पेपर्स होंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करेंगे होपफुली, और बहुत अच्छे से जो है अपने पेपर्स को ताखिर अंजाम तक पहुँचाएँगे, ठीक है। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआएँ करें, अपना रमज़ान जो है वो अच्छे से अच्छा गुजारें, ठीक है। और ईद की तैयारियां करें, ईद के बाद, ईद के साथ साथ अपने पेपर्स की भी तैयारी रखें, और इंशाल्लाह पेपर जो है वो 100% श्योरिटी है कि होंगे, लेकिन ईद के बाद इतनी फैसला होगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।